ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सम्मान समारोह से लौट रही फैशन इंस्टीट्यूट की 8 छात्राओं के साथ डीबी सिटी इलाके में आधा दर्जन मंचलों ने छेड़छाड़ कर दी। फप्तियां कसते हुए मंचलों ने छात्राओं को वीडियो बनाना शुरू कर दिया और छात्राओं ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर दी। दरअसल ग्वालियर के सचिन तेंदुलकर मार्ग स्थित डीबी सिटी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में इवेंट कंपनी से जुड़ी फैशन इंस्टीट्यूट की 8 छात्राएं भी शामिल थी। जब सम्मान समारोह से ये छात्राएं वापस लौट रही थी तो डीबी सिटी के पास कुछ मंचलों ने इन छात्राओं पर फप्तियां कशी और इनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब छात्राओं ने इसका विरोध किया और मंचलों को वीडियो डिलीट करने को कहा तो मंचलों ने इनके साथ हाथापाई कर दी। उसको गोली मार देंगे, उसको धमकी दी मारने की। उसके बाद हमारे साथ मारपीट की, तीन लड़कों को और बुला लिया, हमारे दोस्तों के साथ भी मारपीट की, प्लस हम लड़कियों के साथ भी मारपीट की। उसके बाद हमें धक्का दिया, हमसे गालियां दी और हमारी गाड़ी को भी गिरा। आपने पुलिस से सूचना दी? जी बिल्कुल। कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा है? हमने तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। कौन है ये लोग? कौन है और कहां से? कहां से गए? ये रैंडम लड़के हैं। अच्छा, प्रैंक वीडियो बनाते हैं। आप कितने गर्ल्स थे? हम 5 गर्ल्स, 3 लड़के थे। और ये लोग कितने थे? ये 6 लोग थे। पहले 3 थे, फिर उन्होंने 3 को कॉल करके बुला लिया और उसके बाद उन्होंने मारपीट की। और सबसे पहले इन्होंने मारपीट करना चालू की। मेरे पास प्रूफ भी है, बकायदे मैंने वीडियो भी बनाया है इन लोगों का। मेरे पास पिक्चर्स भी है जिसमें साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है और हमारे दोस्तों के साथ मारपीट। मारपीट का मैटर है अभी, लड़का और लड़कियों में आपसे मारपीट का मैटर आया है और उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी की जाएगी। किन्ने शिकायत दर्ज कराई? लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है मारपीट के लड़कों के ऊपर। कितने लड़के बताए? अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी आएगा निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। और छात्राओं के साथ मारपीट की खबर लगने के बाद आसपास के लोग दौड़े और उन्होंने छात्राओं के साथ मारपीट कर रहे 3 मंचलों को पकड़ लिया, जबकि 3 मंचले मौके से फरार हो गए। मंचलों को लेकर आसपास के लोग यूनिवर्सिटी थाने पहुंचे, जहां पीड़ित छात्राओं ने थाने में मंचले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी है। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।